मैंने ये अनुरोध किया आपसे, हमारे पूर्ण प्रमादी संस्था अभी 12 साल अपने काम किया, हमारे बच्चे भी 12वीं पास पार कर दिया, अगले साल से हमारे हायर एजुकेशन चल रहा है। हायर एजुकेशन के बारे में हम तो अभी कुछ चिंतन भी कर रहे हैं, परंतु इससे ज़्यादा आपका मन में जो आएगा, आपका मार्गदर्शन जो रहेगा, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो सिर्फ उत्साह से कुछ भी नहीं होता है, उत्साह के साथ अनुभव भी उसे मिला तो वो बहुत काम करता है। इसलिए आपको बहुत अनुभव है इसमें, हमारे पूर्ण प्रमति संस्था किस चीज़ को लेके उन्नत शिक्षण करना चाहता है, आपके दृष्टि में पूर्ण प्रमति आगे कैसा बढ़ेगा, इसके बारे में आप मार्गदर्शन करें। वो शायद शुरू से देखा है, लेकिन ये मेरी शायद फोर्थ या फिफ्थ विजिट टू पूर्ण प्रमति। बट आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड इट वेरी क्लोजली, लेट मी, बिकॉज दैट अपॉर्चुनिटी हैज नॉट बीन देयर। फॉर दैट यू नीड टू spend far more time than I have. But ek sense, you know, you develop a sense. Wo kaise hota hai, uska kya karan hai, I don't know, because ho sakta hai, I know Srinivas ko janta hoon, unke bare mein ek dharna man mein hai bahut dino se, unke kuch जो मित्र हैं उनको जानता हूं, प्रणव को जानता हूं, प्रणव आपके यहां बहुत आता है, आप लोगों का एसोसिएशन सानंद स्वामी से रहा है उसके बारे में मैं अवगत हूं। मैं सानंद स्वामी को बहुत सालों से जानता था, और इसके पीछे क्या मोटिवेशन, जो स्ट्रांग मोटिवेशन था, प्रेरणा थी, उसका कुछ भास मुझे है। लेकिन मैं ये फर्क नहीं कर पाऊंगा कि जो मेरी उम्मीद है या जो मेरी आशा है उसको कहीं मैं आपके ऊपर आरोपित करके तो नहीं बोल रहा हूं। नहीं, हो सकता है, क्योंकि मैं पूर्ण प्रमति को बहुत उम्मीद और बहुत आशा, विथ अ लॉट ऑफ होप एंड एक्सपेक्टेशन से मैं देखता हूँ, है ना। दिस इज नॉट राइट, बिकॉज इट इम्पोजेज अ सर्टन प्रेशर अननेसेसरी। बट अगेन आई थिंक, हु एम आई टू एग्जर्ट प्रेशर, आई एम सिटिंग सो फार अवे, तो मेरा प्रेशर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। ये भी मैं अपने को इसका वो जस्टिफिकेशन दे देता हूँ। तो मैं आई विल स्टार्ट विथ माई होप एंड एक्सपेक्टेशन, एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट माई कॉन्टेक्स्ट इन फ्रॉम विच दिस होप एंड एक्सपेक्टेशन हैज इमर्ज्ड। उसका थोड़ी बात हम लोग पिछले दो दिन से कर ही रहे हैं। द वे आई सी इंडिया, मैं जैसे भारतवर्ष को देखता हूं, उसको, उसके इतिहास और हिस्ट्री को देखता हूं, उसके स्ट्रेंथ्स को देखता हूं, और ये मैं एक पेट्रियट के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक देशभक्त के रूप में नहीं बोल रहा हूं, ये मैं एक मनुष्य के रूप में बोल रहा हूं, एक सामान्य आदमी के रूप में। जब मैं भारतवर्ष की, मेरी जो धारणा है कि ऐसा भारत रहा है और ऐसा भारत है, तो मैं ये मानता हूं कि जैसा भारत रहा है वैसा हो जाए और पूरी दुनिया हो जाए, वही हम सब चाहते हैं। परफेक्शन में मैं विश्वास नहीं करता हूं, ये भी मैं आपको बताऊं, मैं ना तो आदर्शवादी हूं, आई एम नॉट एन आइडियलिस्ट, एंड आई डोंट बिलीव, मतलब फॉर मी, अगर परफेक्शन का डेफिनेशन मेरा यह है कि लेट्स से नेचर इज परफेक्ट, प्रकृति परफेक्ट है,
उसमें भूकंप भी आती है, उसमें बाढ़ भी आता है, उसमें तूफान भी आता है। ये सबको लेके अगर आप बोले हाँ वो परफेक्ट है, तो वो उस परफेक्शन में मेरा मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन कोई बोले ऐसी धरती जिसमें कभी भूकंप नहीं आएगा, कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी बहुत गर्मी नहीं होगी, कभी बहुत सर्दी नहीं होगी, एकदम टेम्परेट क्लाइमेट बैंगलोर का जैसा रहेगा पूरी धरती में हर समय, उसको मैं परफेक्ट नहीं मानता। वो वैसे परफेक्शन में मेरा विश्वास नहीं। ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, दिस इज द बैकग्राउंड आई एम सेटिंग। प्लीज रेज योर हैंड हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल। या आई नो यू टोल्ड मी हु टू थ्री ओ यू इवन यू वर सिंगिंग यस्टरडे राइट, शी वाज सिंगिंग इन द मॉर्निंग। ओके सो आई विल ट्राई टू ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। English? Huh? No, I'm not going to switch to English. I'm going to... So, ye maine background diya, I've given you a background from my... Because it's important to... When you talk anything serious, then you must make it very clear where are you coming from and who the people you are talking to, how do you look at them? सो आई दैट इज़ वॉट आई ट्राई टू डू। मैंने यही स्पष्ट करने की चेष्टा की कि मैं आपको पूर्ण प्रमिति को भारतवर्ष के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, वो भारतवर्ष जो मैंने समझा है पहले वाला और आज, ये दोनों इसके मध्य में मैं पूर्ण प्रमिति जैसे जो भी प्रयोग हो रहे हैं उसको मैं रखता हूँ। आई That is my context where I place. So whatever I speak will come from there. So I see India as a great civilization, not because I belong to India. इसलिए नहीं कि मैं भारतीय हूँ और इसलिए भारत great है, नहीं। मैं भारत को समझ करके मैं बोल रहा हूँ कि भारत की civilization is a great civilization. Why do I call it great? Because there is possibility for everyone over here. इस भारतवर्ष में जो था उसमें कोई हर एक की जगह है, हर एक की, पेड़ पौधे की, छोटी चींटी कीटाणु से लेकर के अंतरिक्ष तक, और सब मनुष्यों के लिए अपनी अपना स्थान है, और वो स्थान ठीक है, यानी वो सहज है, वो ठीक है, परफेक्ट नहीं। मैं परफेक्शन का बात नहीं कर रहा हूं, पर उसमें सेंटर स्टेज पे अधिकार नहीं है, उसमें जिम्मेदारी है। उस भारतवर्ष में जो फलक्रम है उसका, वो जिम्मेदारी का फलक्रम है, वो अधिकार का फलक्रम नहीं है। क्यों? उसका भी एक कारण है। वो कारण ये है कि हमने ये देखा, इस सिविलाइजेशन ने ये देखा कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग एल्स। हर चीज, हर वस्तु, और जब मैं वस्तु कहता हूं तो खाली मटीरियल वस्तु की बात नहीं कर रहा हूं, खाली सेंसोरियल वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ द टैंजिबल वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, द सेंसोरियल वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग ऑफ दैट रियालिटी विच इज देयर बट इट इज बियॉन्ड द सेंसेस। To give an example, just to draw your attention, a word like swatantrata, you can't see it. आप स्वतंत्रता को देख नहीं सकते, you can't touch it, it's beyond senses, but it is a reality. पर यह वास्तविकता है। Compassion या करुणा आप देख नहीं सकते, but एक quality है, ये reality है। तो मैं दोनों रियलिटी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ बोथ द रियलिटीज, द टैंजिबल वर्ल्ड एंड द इनटैंजिबल वर्ल्ड, जो दृश्य जगत है और जो अदृश्य जगत है पर वास्तविक है। मैं ये दोनों जगत की बात कर रहा हूं। ये दोनों जगत की हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सीधे जुड़ी हुई है या कोई टेढ़े मेढ़े तरीके से जुड़ी हुई, बट दे आर कनेक्टेड। They appear to us because of our ignorance. We think, no, this has no connection with that.
That is our ignorance, not because they are not. They are connected, we can't see it. So, a great Indian has said that when the earth shakes, when the universe shakes, every leaf shakes. But when a leaf shakes, the entire universe shakes. So, we are interconnected. This is a great understanding of this civilization. This is there in Jain Sahitya, this is there in Bodh literature, this is there in Hindu literature. Ye hamari civilizational cheez hai. One of the missions that I have, a dream I have, is to take out 10, 20, 50 points which our civilization has always believed in. I have asked many people, they have not been able to tell me beyond two or three. One of them is this, that हम ये हमको ये इच्छा है मेरी कि हम लोग एक 10-20 ऐसे पॉइंट निकालें जो भारतीय सभ्यता की मूल मान्यताएं हैं. उसमें से एक दो का पता है मुझे, जैसे पूर्व जन्म. हम मानते हैं सभी धर्मों में कि हमारा रीइंकार्नेशन में हमारा विश्वास है. इंटरकनेक्टेड सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसमें हमारा विश्वास है. और क्या है जो इस तरह की चीजें, उसको हमारा एक इच्छा है कि उसको निकाला जाए, पर वो एक अलग चीज हुई. मैं ये कह रहा हूं ये सिविलाइजेशन में हर एक चीज का स्थान है, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हर एक चीज को सम्मान दिया गया है. यथोचित सम्मान, यथोचित. किसी को ऊपर बैठाना है तो ऊपर बैठाना है, किसी को इधर बैठाना है तो इधर बैठाना है, उसमें कंपैरिजन नहीं है. हर एक चीज का सम्मान है, चींटी से लेके और हाथी तक. तो गिवन दिस, मैं ये मानता हूं कि इस सिविलाइजेशन में आंसर्स हैं, उत्तर हैं. आवर सिविलाइजेशन हैज द आंसर्स फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. टुडे इफ यू सी, वी डोंट हैव आंसर्स. आज आप देखिए युद्ध का व्यापार, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, युद्ध के व्यापार पे दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है. द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल्स, ऑन आर्म्स एंड ऑन ऑयल, फॉसिल फ्यूल, राइट. एंड वी ऑल नो कि फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन से हमारी समस्या बढ़ रही है, बट वी आर फोर्स्ड टू कंज्यूम फॉसिल फ्यूल. दिस इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट्री. इकोनॉमी ठप हो जाएगी अगर युद्ध का व्यापार नहीं हो. युद्ध अच्छी चीज नहीं है, वी ऑल नो वॉर इज नॉट गुड, एंड येट वी आर डिपेंडेंट, द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द ट्रेड ऑफ आर्म्स. इंडिया इज ऑल्सो डूइंग दैट नाउ, एंड आई डोंट थिंक इट इज अ रॉन्ग थिंग. वॉट कैन वी डू? We are exporting arms. India is exporting arms. I am not against it. This is the reality of the times. आज की ये compulsion है. यही modernity के problems है कि आपको वो करना पड़ रहा है बाध्य होके, जो आपको पता है कि ठीक नहीं. टीका लेना ठीक नहीं है किसी चीज का भी, कहीं मालूम है. ये जो कोविड का सबको वैक्सीन लगा, ये ठीक नहीं है, बहुत लोगों को मालूम है, फिर भी जाके लेना पड़ा. दिस इज द कंपल्शंस ऑफ द टाइम. ये आज की बाध्यता है. कोई नहीं लिया होगा वो ठीक है, वो बहुत बहादुर आदमी है, पर आम जनता वैसी नहीं होती है. और हमको जब पूर्ण प्रमति की बात आती है तो पहले तो मेरा ये रहेगा कि आप एकदम, आपके मान लीजिए बच्चे हैं तो उसमें कोई तो सामान्य बच्चे होंगे, कुछ बहुत तेज होंगे, कुछ सामान्य को ध्यान में रख करके प्लानिंग करिए. उसको ध्यान में रख के मत कीजिए, उसको अपना रास्ता तो ऐसे ही निकाल लेगा. उसको इग्नोर मत करिए, लेकिन ध्यान जो रहे वो सामान्य पर रहे कि हमारा एवरेज बच्चा, साधारण बच्चा कैसा बन के निकले, इस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए. दैट इज नॉट टू से कि इसको इग्नोर कीजिए या उसको इग्नोर कीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा. इट इज नॉट आइदर और. This is another trait of Indian civilization, that we have never seen things in binaries. हमने कभी भी या तो ये या तो वो ऐसे नहीं देखा चीजों को. हमने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से निर्णय लिया.
वो ऋषि, वो कहानी याद है ना, वो एक चोर, एक आदमी भाग रहा है और वो ऋषि के पास आया, बोला मुझे छुपा लीजिए नहीं तो हमको मार देगा। उन्होंने उसको छुपा लिया और जब वो आया तो उसको बोला वो उधर गया था, झूठ बोल दिया। अब ये आप अगर इसको साइंटिफिकली, रैशनली, मॉडर्न व्यू से देखेंगे, जस्टिस की दृष्टि से देखेंगे, नॉट न्याय की दृष्टि से, तो जस्टिस की दृष्टि से उस ऋषि ने झूठ बोला और उसको सजा होनी चाहिए, और न्याय की दृष्टि से देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल ठीक किया। तो न्याय की दृष्टि भारत की रही है, भारत की दृष्टि मॉडर्न जस्टिस वाली दृष्टि नहीं रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड न्याय, एंड इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओनली सिविलाइजेशन एंड परहैप्स सम ऑफ व्हाट दैट नोन एज पेगन सिविलाइजेशंस, जैसे अमेरिकन नेटिव्स, जैसे साउथ अमेरिका के बहुत सारे लोग, इन सिविलाइजेशंस में, शायद चाइना में, इन सिविलाइजेशंस में ये बात रही हो, बट सर्टनली नॉट इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सर्टनली नॉट इन द मॉडर्न। मॉडर्न सिविलाइजेशन तो कोई डिफरेंस ही, सटलिटी है ही नहीं वहाँ। सूक्ष्म तरह से सोचना, सटल तरीके से सोचना, और हम और आप जब जीते हैं एक इशारे से आप नाराज हो जाते हैं और एक इशारे से आप खुश हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं हमको बताइए। एक किसी की मुस्कान देख के आपका मन खुश हो जाता है और वो आपको इग्नोर कर देता है, आप नाराज हो जाते हैं, उसने तो कुछ भी नहीं बोला, राइट? तो द लाइफ गोज विद दीज सटल थिंग्स, यू नो, इट इज अ वेरी डेलिकेट थिंग, एंड इंडियन सिविलाइजेशन हैज अंडरस्टूड, नॉट जस्ट अंडरस्टूड, इट हैज इम्बाइब्ड दिस सटलिटी, इट्स अ ब्यूटिफुल सिविलाइजेशन। So, it has got destroyed, it has got damaged because of this modernity. And therefore, I feel that efforts like Purna Pramati are extremely, extremely important. I don't know how you see Purna Pramati, but I, as an outsider, have great expectations and great hope in this age of darkness. It is a dark age to me. And in this, it is a, not only a ray of hope, it's a, matlab, great expectations we have. Because there, andheri raat mein taare jaisa hai ye. It's all darkness and some small stars here and there. And one of the stars is Purna Pramati. That's how we see Purna Pramati. This effort, this I call it an experiment. I don't believe in models. I am very scared of models. Let me tell you this. Models se mujhe bahut dar lagta hai. Kyunki complex system ki jo baat maine kal ki, usme model nahi chalta. Model complicated system mein chalta hai. Model wo hota hai jisko aap replicate karte hain. Yahan se utha ke wahan, 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 wahan. Complex system mein there's no replication at all. सब जगह स्वयं स्फूर्त तरीके से प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम, द कोर रिमेन्स द सेम, बट द क्या बोले उसको, मैनिफेस्टेशन, और उसका जो उसको जो धरती पे जब उतरता है वो अपने अपने ढंग से उतरेगा, कहीं कन्नड़िगा में उतरेगा, कहीं पे मराठी में उतरेगा, कहीं पे गुजराती में उतरेगा, यू नो, भाषा बदलती रहेगी लेकिन उसकी आत्मा एक हो सकती है इस तरह। तो वो आत्मा एक हो सकती है लेकिन वो पोशाक एक नहीं होगी, वो भाषा एक नहीं होगी। तो जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में जब वो कोई चीज निकलेगी, उसका प्रकटन होगा, तो वो अलग अलग ढंग से होगा और होना भी चाहिए। मॉडल जो है वो इसके विरुद्ध है। मॉडल में कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जो हमने बनाया है, जो मैनिफेस्टेड है, उसको हम रेप्लिकेट करने जाते हैं। प्रिंसिपल्स को रेप्लिकेट करने की बात नहीं होती है, प्रिंसिपल्स को रेप्लिकेट आप करने के लिए आपको मॉडल्स की जरूरत नहीं है। दिस इज आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट विथ यू। सो आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट मॉडल्स। इफ मॉडल्स आर कंसिडर्ड टू बी कि हम जो यहां पे किया है उसको दूसरी जगह वैसा का वैसा कर दें, नहीं। आप अगर आप बैंगलोर में बैठे हैं, आप अगर गांव में जाकर के स्कूल कल के दिन चलाएंगे, दिस विल नॉट वर्क देयर।
If you try to work this over there, you are going to create some problem somewhere. So I am talking of, this is how I look at Purna Pramati. And usme main dusri baat bolunga ki hamara desh kabhi bhi naukri wala desh nahi raha hai. Aur naukri jo hai wo apne aap mein ek violence hai. For a few it's okay, for a few people it's fine, very few. वो 5% 10% तक सीमित होना चाहिए. ये जो 90% लोग नौकरी में लग गए, दिस इज अ सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज. दिस गोज अगेंस्ट टू मी, इट गोज अगेंस्ट द होल सिविलाइजेशनल विजन ऑफ इंडिया. तो हायर एजुकेशन का जब आप बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट हायर एजुकेशन, तो मैं ये कहूंगा एक चीज को हमको दिमाग में रखें कि कैन वी डू समथिंग सो दैट हमारे बच्चे जब निकल के बाहर जाएं, व्हेन दे कम आउट ऑफ द स्कूल, दे गेट दिस सम काइंड ऑफ अ स्किल और कॉन्फिडेंस दैट वी कैन बिकम एंटरप्रेन्योर्स रादर देन एम्प्लॉइज. इट्स अ बिग चैलेंज. आई डोंट हैव एनी मैजिक फॉर्मूला फॉर दिस. But can you at least give them that courage or encouragement or confidence and the idea, the vision? Well, abhi to sabke dimag mein ek hi cheez rehti hai ki humko naukri karni hai school se college se nikal ke. Can we change it to from that to self-employment boliye, entrepreneurship boliye, jo bhi naam dena dijiye, swarojgar. स्वरोजगार की तरफ उनका दिमाग चलने लगे, वो सोचने लगे. और स्वरोजगार में, स्वरोजगार अगर वो एंटरप्रेन्योर बनेगा या स्वरोजगारी बनेगा, तो द पर्सन हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल. आप नौकरी में यू कैन बी यूनी डायमेंशनल. आप खाली डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं और दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हो गया काम. पर अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा. एक चीज से नहीं चलने वाला. उसमें आपकी थिंकिंग का प्रोसेस ही अलग होगा. उसमें आपको, यू डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट इन एनीथिंग, बट उसमें यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल. ये अंग्रेजी की कहावत अपने आप में गड़बड़ है. ही इज जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन. अरे वेरी गुड इफ ही इज जैक ऑफ ऑल. हमारा साहूकार का शब्द, हमको गांव की महिला जिसने ये बोला कि आप होना सिखाओ, उस महिला ने ये कहा, साहूकार, साहूकार का मतलब पता है क्या है? साहूकार का मतलब है जिसके घर में 100 काम होते हो, 100 तरह के काम होते हो. ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, मेहमान भी आ रहा है, खाना भी खा रहे हैं, गाय को भी सेवा हो रही है, खेत भी चल रहा है, सब 100 तरह के काम. वो जहां 100 तरह के काम होंगे, वो दिमाग, वो स्विच वाला दिमाग नहीं हो सकता, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं हो सकता. एंड आपको कोई चीज में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट. आपको बहुत पैनी दृष्टि डेवलप करनी पड़ेगी. यू हैव टू बी अ ग्रेट ऑब्जर्वर एंड यू हैव टू बी इंट्यूटिव. इंट्यूटिव हमारे रविंद्र शर्मा बोलते थे, पवन जी हमारी बेटी जो है ना, वो भाप लेती है, गुड़िया वो भाप लेती है. वो बहुत बोलते थे ये बात. आई ऑलवेज यूज टू थिंक आई विश माय सन मैरिज हर, यू नो. वो बोले हम कब, रविंद्र शर्मा, श्रीनिवास यूज टू नो, मे बी सम ऑफ यू नो, यूज टू नो हिम. तो हिज प्लेस वॉज ऑलवेज, समटाइम्स टू पीपल विल कम, समटाइम्स 5, समटाइम्स 7, समटाइम्स 10. नो आइडिया हाउ मेनी पीपल विल कम. हाउ डू यू मेक फूड? हाउ डू यू प्लान? बट दे यूज टू प्लान एंड देर नेवर देर वॉज एनी प्रॉब्लम अबाउट फूड एंड देर वॉज नेवर एनी वेस्टेज ऑल्सो.
Now this is a different, and this was not just Ravindra Sharma. I've seen it in my own home when I was a child. This was the normal practice in Indian homes. The koi bhi mehman atithi ka matlab hai, bina atithi bataye aa gaya. Wohi to atithi hai na? Atithi to aate the, aur atithi to khali haath jaane hi nahi dena hai. So you always prepared. That was an intuitive feeling. Intuitive tha ye sab kuch. It cannot be taught in your management schools. Can we do something to develop this intuitiveness, this guesstimation ki aaj shayad ye hoga, to uske liye hum thoda prepare kar le. Aaj shayad aisa hoga. Aaj shayad teacher ka mood kharab hoga. To kya kare? You know, ye, these should be, ye, main to bachcho se baat kar मैं आपको इनकरेज करूंगा, टॉक अबाउट दीज थिंग्स. आप बात करिए बच्चों से, रियल लाइफ है ना ये. घर में भी मूड खराब होता है भाई, माँ का तो दो थप्पड़ लगा देती है ना उस दिन. अब आजकल तो वो क्या कॉर्पोरल पनिशमेंट में आ गया होगा तो नहीं लगा रहे. हम लोगों ने तो खाया है मार, और जो टीचर ने हमको मारा उसी को सबसे ज्यादा याद रखते हैं. तो ये कुछ इस तरह की क्वालिटीज को क्या हम डेवलप कर सकते हैं? आई बिलीव वी कैन, बट देर इज नो मेथड, इट इज अ प्रोसेस. मैं फिर से आपको बताता हूं, ये कल्चर, ये पूर्ण प्रमिति के कल्चर क्या बनेगा उस पर दिमाग लगाए हम लोग. यहां पे कौन से प्रोसेसेस हम सेट इन मोशन कर सकते हैं उस पर हम दिमाग लगाए. कौन से रिचुअल्स हम यहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस पर हम दिमाग लगाएं, बिकॉज रिचुअल्स एंड सिंबल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम कौन सी रीति रिवाज, कौन से प्रतीकों का इस्तेमाल हम करें क्रिएटिवली. जैसे आपके सुबह ये होता है ना, ये आप लोग भागवत पुराण कर, ये बढ़िया रिचुअल है. इट्स अ गुड रिचुअल. It's more than a ritual. It's a good pratha, I would say. But what else can we do with the children? And usme ek danger hai, usko bhi humko dekhna chahiye, ki agar wo ek stage ke baad jaake wo mechanical hone lagta hai. To mechanical bhi na ho, usme uski atma khatam nahi ho jaye, wo ekdam mechanical nahi ban jaye, yantrik nahi ban jaye, iska bhi humko dhyan rakhna hai. To jaise hum dawai khate hain, कोई थेरेपेटिक दवाई, तो ऐसा कहा जाता है भाई एक दो महीने खाओ, फिर थोड़ा उसमें ब्रेक दो, फिर उस फिर से खाना शुरू करो, तो वो ज़्यादा बॉडी अच्छी तरह एब्जॉर्ब करेगी, नहीं तो बॉडी उसके प्रति भी इम्यून हो जाती है. तो रोज़ खिलाता है, कुछ नहीं छोड़ो, कोई दिक्कत. ऐसा बोला जाता है दवाई के बारे में, हर्ब्स के बारे में. तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें भी, कि कोई भी काम हम करें वो यांत्रिक नहीं हो जाए, उसमें जीवंतता रहे, उसमें एक जान रहे, उसमें एक लाइफ फोर्स रहे. तो मैं ये कहूँगा कि फॉर हायर एजुकेशन, एक तो आई वुड से कि कैन वी डू समथिंग सो दैट पीपल डू नॉट ओनली थिंक ऑफ गेटिंग अ जॉब, बट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. एंड टू बी एबल टू डू दैट, यू नीड टू हैव वेरियस काइंड ऑफ स्किल्स. Some of them are skills, some of them are qualities that you need to develop. Like I just pointed out one, intuition. Intuitive thinking is one of the greatest hallmarks of a successful person in life. Wo aadmi jo intuitive hota hai, wo bahut cheezon ko manage kar leta hai without doing much. Because wo प्रीएम्प्ट कर देता है, वो पहले से सोचता है कि शायद ऐसा होगा, इसलिए वो उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप ले लेता है. तो एक तो ये बात, दूसरे अगर बहुत कोई तेज लड़का है या लड़की है और वो पर्टिकुलर फील्ड में है तो आप उसको इनकरेज कर सकते हैं उसमें. बट बाकी के लिए मैं कहूँगा कि सामान्य के लिए ही हमको एम करना चाहिए. और माय यू मे, आपको ये लग सकता है कि आई एम ऑब्सेस्ड,
बट मुझे लगता है कि क्लास 12 तक आते आते बच्चे को आधुनिकता का, मॉडर्निटी का अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर उसको अच्छी समझ नहीं होगी तो वो उसी ट्रैप में फंसेगा जिससे आप उसको बाहर निकालने का चेष्टा कर रहे हैं। ये आई हैव सीन इट रिपीटेडली, आई हैव सीन इट इन अहमदाबाद गुरुकुल, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वो हेमचंद जी का जो गुरुकुल है, वहाँ की कुछ लड़कियाँ आई थी मेरे पास, बल्कि वो उत्तम भाई की लड़की आई थी, माय गॉड, एकदम रिएक्शन होके दूसरी तरफ चली गई है। इतना रिएक्शन हो गया उसमें, क्योंकि वहाँ पे वो इतना बांध के रखते हैं उन लोगों को और इतना वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो एकदम अरे ऐसा है दुनिया, तो वो सब कुछ वो कर रही है जो कि उधर नहीं बोला जाता है। तो दिस इज अ मेजर थिंग दैट वी हैव, दिस इज अ चैलेंज, देर आर नो ईजी आंसर्स बिकॉज द वर्ल्ड इज लाइक दैट, their friend circle, their neighbors, their relatives, everyone. And this influence is increasing by the day. It is not diminishing. In spite of this change from 2014, I think it's an important change. 2014 se jo change hua hai, ye bahut, bahut mahatvapurna change hua hai. Ye mamuli change nahi hua hai. Lekin, bawajood uske, ye jo aadhunikta ka prakop hai, ye badh raha hai, ye kam nahi ho raha. ये कम नहीं हो रहा है। तो वो प्रकोप को तो हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा कि ये तो है, ये आज की रियलिटी है, ये आज की वास्तविकता है। हाउ डू वी बैलेंस इट इन सम वे? एंड व्हेन पीपल से कि टेक लिटिल बिट फ्रॉम हियर एंड टेक लिटिल बिट फ्रॉम देयर, इट डजंट वर्क दैट वे, इट डजंट वर्क दैट वे। इट्स लाइक थोड़ा एलोपैथी भी ले लो, थोड़ा होम्योपैथी भी ले लो, थोड़ा वो भी ले लो, थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा भी करा लो। प्राकृतिक चिकित्सा वाला बोलता है कि उपवास रखो, ये बोलता है कुछ भी खाओ, वो आदमी कंफ्यूज होके बैठ जाएगा। तो ये तो नहीं चलता है। आई दैट इज नॉट टू से दैट यू बिकम प्योरिटन, ये नहीं कह रहे कि आइदर और, नहीं कह रहा हूँ। ये जो वास्तविकता है उसको फैक्टराइज कीजिए, ध्यान रखिए कि ये आज का ये रियलिटी है। नाउ व्हाट डू वी डू? जैसे वो क्या है, वो क्या एक शब्द जो एक लाइन यूज करते हैं, टेम्प्रेरी दिस थिंग फॉर अ परमानेंट रिजेक्शन और समथिंग। रिम्पोचे जी एक इस पे बात बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपको सिर दर्द हुआ और आपको एक मीटिंग में जाना है, तो पैरासीटामोल खाने की जरा ले लो भाई, लेकिन ये सोच के लो कि मैं बहुत अच्छा काम नहीं करने वाला हूँ, हाँ इससे कुछ नुकसान होने वाला है, लेकिन वो नुकसान को फैक्टराइज करके मैं ले रहा हूँ, क्या अभी जाना है मुझे, चक्कर मजबूरी है कर रहे। अब हम नहीं लेंगे, मीटिंग में भी जाना है, सिर में भी दर्द है, तो ठीक है, अगर आप सिर दर्द के साथ मीटिंग में जाकर बात कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो यही चॉइस है। तो लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, यानी कॉम्प्रोमाइज अगर हम कर रहे हैं तो लेट अस बी क्लियर दैट वी आर डूइंग अ कॉम्प्रोमाइज, टेम्परेरली कर रहे हैं ये, इसको हम हमेशा के लिए नहीं मानेंगे, हमेशा के लिए नहीं स्वीकार करेंगे, अभी फिलहाल हम कर रहे हैं। मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, इसमें इसके बहुत सारे कंपल्शंस हैं, ये मेरे को मैनिपुलेट ज्यादा करता है, मैं इसको कम करता हूं, हमको लगता है हम इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे को ज्यादा कर रहा है, मैं इसको कम कर रहा हूं, ये तो समझ तो आए। हम इसको होता क्या है, ह्यूमन माइंड ये है, और दिस इज अगेन समथिंग टू डू विथ योर शिक्षा जो आप कर सकते हैं स्कूल में। मैं इस पर एम्फसाइज करूंगा, ये बात छूट गई थी, अभी ध्यान आया मुझे। ह्यूमन माइंड ये है कि मैं अगर कोई गलती काम करता हूं तो मैं उसको जस्टिफाई करता हूं, ये बात समझ में आया। If I do something wrong and I know it's not right, I justify it. I did it because what could I do? I had to do. आप दुनिया को justify कीजिए, don't justify it to yourself. This is what I would say. The problem today is, I've seen it and I'm talking with a very personal experience, that normal tendency is when we do something wrong, and that wrong is not because the world is saying wrong, it comes from within,
फ्रॉम समथिंग कॉल्ड माई कॉन्शियंस, मेरी आत्मा से आता है कि ये गलत है, मैंने वो किया, और हम खुद को ही जस्टिफाई कर देते। अगर जस्टिफाई नहीं करते तो क्या दूसरा काम क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते। अरे मैं हाउ बैड आई, मैं कितना खराब हूं, देखो बार बार मैं ये गलती करता हूं, मैं मेरे से नहीं होगा। तो या तो हम डिप्रेशन में जाते हैं या हम जस्टिफाई करते हैं। ये खेल हम लोग खेलते रहते हैं सीसो की तरह, आइदर वी जस्टिफाई और वी ब्लेम आवर सेल्फ और ब्लेम समवन एल्स। वो ब्लेम समवन एल्स इज बेसिकली जस्टिफिकेशन। आई व्हाट आई एम प्रपोजिंग टू यू इज, कैन यू नॉट डू दिस एंड नॉट डू दैट ऑल्सो एंड स्टे ऑन द रेजर्स एज? तलवार की धार पे खड़े रह सकते हैं क्या हम, कि हम जस्टिफाई भी नहीं करें और ब्लेम भी नहीं करें और डिप्रेशन में भी नहीं जाए? ये बहुत मुश्किल है शुरू शुरू में, लेकिन इट इज पॉसिबल। एंड इफ यू डू दैट देन यू विल फाइंड दैट वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज इज नो लॉन्गर रेजर्स एज, इट बिकम्स क्वाइट सिंपल। इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस हैबिट ऑफ थिंकिंग इन आइदर और, बिकॉज वेन यू से या तो ये या वो, इट लाइफ बिकम्स वेरी इजी। कैन यू, बिकॉज लाइफ में ये दोनों है। फॉर इंस्टेंस वी ऑल नो वट इज एटर्नल ट्रूथ, सनातन सत्य का ज्ञान हम सबको है, बचपन से होता है सही गलत का, हमको मालूम है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। मोस्टली वी नो इन नॉट इन डूइंग, नॉट इन डूइंग सो मच, बट वी नो वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग, वी नो वॉट इज ट्रूथ वॉट इज फॉल्स, ये पता होता है हमको। ये मालूम होता है कि डरना गलत चीज है, हमको ये मालूम होता है कि गुस्सा आने से मुझे दुख होता है, मुझे मालूम है कि ईर्ष्या करना गलत है, ये सब मालूम है हमको। वी नो ऑल दिस, ये किसी को पढ़ने पढ़ के खुद को मालूम है। व्हेनेवर वी गेट एंग्री वी फील बैड, वी नो दिस, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड वी नो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी होता है ना। तो नॉर्मली दैट जो टीचिंग हो रही है वो ये ना, गुस्सा करना गलत बात है, डरना गलत बात है, ईर्ष्या करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, ये तो उसको भी मालूम है भाई। आप क्या नई चीज बता रहे हो उसको? तो उसको ये बताइए, इसको स्वीकार करो, ये गलती हो गई, एंड डोंट जस्टिफाई एंड डोंट ब्लेम योरसेल्फ। कैन यू स्टे देयर? इफ यू हैव स्टे देयर यू विल कम आउट ऑफ इट। ये बोलने बोलिए मत उसको, ऐसा होगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात मैं आपको बोल रहा हूं। सो लेट हिम गेट हिम यूज टू लिव विद डिस्कम्फर्ट, नॉट द डिस्कम्फर्ट ऑफ सिटिंग ऑन द फ्लोर और यू नो हीट और वॉट एवर, डिस्कम्फर्ट ऑफ द जो अंदर होता है, दिस इज द बिगेस्ट डिस्कम्फर्ट। क्योंकि हमारी आदत हो गई कि हमको तुरंत कंक्लूड करना है। हम ध्यान की बात करते हैं पर ध्यान क्या है ये नहीं बताते हम। हमने थोड़ा सा कल बात की थी उसकी, कि अनलेस योर आई द लाइट इज फॉलिंग इन योर आई, बट जब तक ध्यान नहीं दिया यू आर नॉट कॉग्निशन में नहीं आया। इस रूम में बहुत सारी चीजें हैं, वो हमारी आंख पे उसकी रोशनी आ रही है, बट there are many things I am not seeing because my connection नहीं बैठा है, ध्यान नहीं गया है उस पर। तो ये ध्यान क्या है, ये तो बहुत उसका जो outward मैं बता रहा हूं, लेकिन ध्यान को center stage पे हम ला सकते हैं क्या पूर्ण प्रमति में? Not in the sense of this, no, that the child truly understands what is ध्यान देना and how important is ध्यान देना,
और ध्यान देने का मतलब कंक्लूड करना नहीं होता। ध्यान देने का मतलब हर चीज को निश्चित कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं होता। ध्यान देना इज सेपरेट, रीचिंग द कंक्लूजन इज डिफरेंट थिंग, डिफरेंट एक्टिविटी, एंड दैट इज लेट इट हैपन, डोंट बी इन अ हरी। आप खाली देखिए, आप खाली ऑब्जर्व करिए, मनन करिए, कंक्लूड करने की जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी इसलिए होती है कि जब तक कंक्लूड नहीं होता आप डिस्टर्ब रहते। यू सो यू आर ऑलवेज इन अंदर में कुछ ऐसा बैठा हुआ है जो आपको पुश करता है, इट पुशेज यू टू कंक्लूड सो दैट यू आर एट रेस्ट। ये टेंडेंसी को चेक करना, इनकरेज देम टू स्टे विद दैट डिस्कम्फर्ट। आई एम कॉलिंग इट डिस्कम्फर्ट, यू कैन कॉल इट एनी अदर नेम। Once I was, even sukh or dukh, you know, I feel we should talk about it. What is dukh and what is sukh? We should talk to children about it. There is a concept hai, idea hai sukh ka. Kai logon ka idea sukh ka hai maje lena. Badhiya khao, ice cream khao ya rasgulla khao, ye sukh hai. ऐसा भी लोग हैं, राइट? तो वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट इज हैप्पीनेस। वी टॉक सो यू, दिस वर्ड इज बीन अब्यूज्ड। हैप्पीनेस, नो वन टॉक्स अबाउट पीस, नो वन टॉक्स अबाउट सैटिस्फैक्शन। वी टॉक अबाउट हैप्पीनेस एंड दैट्स एन आइडिया अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज समटाइम्स वॉट इज कंपैशन, टेल मी, करुणा क्या है आप बताइए मुझे। मैं बहुत सोचता हूं कभी कभी, बिकॉज हमारे तो पूरे साहित्य में करुणा भरी पड़ी है। वॉट इज करुणा, वॉट इज कंपैशन? दूसरा कौन है? हाँ, तो अब मैं इस, ठीक है, आपका उत्तर से मैं सहमत हूँ, खाली थोड़ा इसको और एक्सप्लेन एक्सपैंड करते हैं। ये दूसरा, एक दूसरा ये है, एक दूसरा मैं हूँ, एक दूसरा वो है। हम तीनों अलग अलग भी हैं। इनको लाल रंग पसंद है, मुझे ये पसंद है, उनको बिना सिला हुआ पहनते हैं, है ना? तो we all are different in our preferences, in our ideas, in our opinions, right? But there must be something which is common to all three of us. And I'm not talking only of the body, like we have nose and we have eyes and we have all, both of us, all of us have ear and all that. I'm not talking of the body. Apart from the body, there are many things in us which is different. All of us are different. But there must be some things which are common to all of us. Emotions. Emotions. Keep giving names, but there is no. None of us. Right? It's a huge, it's not just one thing. It's that common, there, so many things we are different, but there's something which is common. And that common expands to the entire humanity. Right? Each person is different from the other, but each person is exactly similar to the other also. So when you say, no, everyone is different, it's a half lie. When you say that everyone is similar, that's also a half lie. We are different and we are similar. Right? Now the similarity mein jo issues hai, agar mera koi issue hai particular, wo mera issue hai, inka to nahi hai. But agar common issue hai, in which the entire humanity is suffering, and if you are sitting there and you can see it, that if this is a common disease, this is a common malaise in which, from which entire humanity is suffering, what will happen to you? What is the outcome of that?
That is compassion. That is, to me, that is compassion. You know, when I think of ये जो ये इतने बड़े बड़े लोग हमारे देश में हुए, full of compassion, however, it's not for a particular person, because they could be completely ruthless with an individual. Completely ruthless with an individual. But compassion for the entire humanity. And the closer the person was to them, they were very ruthless. मतलब आप अगर उनके नजदीक होते हैं तो वो एकदम आग होते हैं, तो बर्दाश्त नहीं करेंगे नॉनसेंस. ऐसे भी लोग हैं जो गुरु लोग होते थे. बट यू व्हेन यू सी द एंटायर ह्यूमैनिटी सफरिंग फ्रॉम द सेम इशू एंड इफ यू कैन रियली सी इट, देन द कंपैशन इज एन आउटकम ऑफ दैट. दिस इज हाउ आई सी इट. सो this school or this vidya kshetra or whatever you call it, this must attempt to show the children the commonality between human beings and the common issues between the entire humanity, that your entire humanity is suffering from. And that is where for me the biggest issue today is modernity, आधुनिकता. तो आपका बच्चा जब 12वीं पास करके यहां से निकले तो उसको इस दुनिया की एक अच्छी समझ यह होनी चाहिए कि हाउ वी आर बीइंग कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड. और उसको यह भी समझ में आए कि ये मैं भी इससे सफर करूंगा, लेकिन अब मेरे को यह समझ हो गई, मैं आई एम एफ्लिक्टेड विथ अ डिजीज, ही इज एफ्लिक्टेड विथ अ डिजीज, बट येट I will try to ठीक करने की चेष्टा करूंगा मैं. To keep a person in भुलावे में रखना कि नो everything is all right, where things are not all right, is, I think it's a crime. Once I went to spend 1 week with Rinpoche. I asked him कि मुझे एक हफ्ते आपके साथ एकांत में चाहिए. तो वो बहुत बिजी आदमी है, बट ही वॉज काइंड इनफ, हमको दिया उन्होंने एक हफ्ते. वी स्टेड इन अ स्मॉल हाउस नियर धर्मशाला एंड ही वुड गिव मी, वी वुड ईट टूगेदर, वी वुड हैव ब्रेक, हम लोग ब्रेकफास्ट साथ में खाते थे, लंच साथ में खाते थे. उसके अलावा वो एक डेढ़ घंटा सुबह चाय के समय 11 o'clock से बिटवीन 10:30 एंड 12, और शाम के वक्त एक घंटा हम लोग बैठ के बात करते थे. बाकी टाइम हम अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, एंड वी वर डूइंग, आई वाज डूइंग सम प्रैक्टिसेस एट दैट टाइम. तो We used to talk, our topic of discussion used to be either meditation की कुछ बातें होती थी, but that used to finish in 5-10-15 minutes. बाकी समय modernity को समझने के लिए मैं उनके साथ बैठता था. So we were talking, one day I asked him, एक दिन पूछा उनसे कि ये दुनिया में इतनी समस्या है, युद्ध की, terrorism, आतंकवाद का, resource depletion का, गरीबी और अमीरी का इतना बड़ा फासला हो गया. भारतवर्ष में तो कभी नहीं था ऐसा, कभी भी नहीं था इतना जितना अभी हो गया. तो ये कैसे, ये आपको क्या दिखता है, कभी ठीक होगा ये? हिज रिप्लाई वॉज, मेरे को एक झटका लगा व्हेन ही सेड अगले 50 साल तो मैं कुछ भी नहीं देखता हूं, उसके बाद भी शायद नहीं होगा, मैं तो निराशावादी हूं. हाँ ना, निराशावादी कोई बोले मैं निराशावादी हूं, ये तो ब्लास्फेमी है ना. है मतलब, अरे हाउ कैन एनीवन से मैं निराशावादी हूं, हम तो सब आशा आशा आशावादी होना चाहिए. वो बोल रहे हैं निराशावादी हूं, और मेरे दिमाग में आया कि अगर निराशावादी है तो ही मस्ट बी इन डिप्रेशन. बट आई नो हिम,
He is the one of the most active people I know. इतना काम वो करते हैं, hardly sleeps for 6 hours, and all the time he is busy, he is doing something and doing for Indians, for Tibetan community, for Indian community, doing his intellectual work in Sarnath, all kinds of things. He is managing Dalai Lama's office, and one doesn't see that he is depressed. And suddenly it struck me that there are two words in Hindi. One is called hatasha, one is called nirasha. And I suddenly saw the distinction between these two. That he is not hatash. Hatash nahi hai, nirash hai. Hatash kyun nahi hai? Kyunki unko faith hai. Aur faith jisko hoga, wo kabhi hatash ho hi nahi sakta. Wo to eternal hope mein vishwas. And then another thing got clarified. Yes? Acha. Another thing got clarified for me, because one of the most important persons I know, जो सबसे महत्वपूर्ण किसी को मैं मानता हूं कि आज के दिन अगर आपको मॉडर्निटी को समझना है तो सबसे सरल किताब तो है हिंद स्वराज, गांधी जी का. पर और गहराई में अगर आपको जाना है तो प्रोफेसर ए के सरन, अवध किशोर सरन, उनकी उनको आपको पढ़ना होगा. सरन साहब एक जगह लिखते हैं, ही टॉक्स अबाउट, टेक्स टू वर्ड्स, फेथ एंड होप, फेथ और होप. और वो इसको ऐसे यूज करते हैं जैसे दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, फेथ और होप. वो गुत्थी मेरे को समझ में नहीं आई थी कि व्हाट डज फेथ गॉट टू डू विथ होप. उस दिन रिम्पोचे से बात करते करते ये बात समझ में आई कि ही इज नॉट, ही इज निराश बट ही इज नॉट हताश. एंड वेर इज, व्हाई इज ही नॉट हताश इन स्पाइट ऑफ द निराशा? बिकॉज निराशा इज सामयिक, निराशा इज ट्रांजिएंट, निराशा इज नॉट परमानेंट. जस्ट लाइक अ डिजीज, a disease is impermanent, a disease is transient, aati hai aur jaati hai, but health is permanent, is eternal. Health ki satta jo hai wo eternal satta hai, jo disease ki satta hai wo temporary satta hai. और ये टेम्परेरी सत्ता और इटर्नल सत्ता कोएग्जिस्ट करती है हमारे जीवन में. करने की दुनिया टेम्परेरी सत्ता है, हाउ की दुनिया, करने वाली दुनिया. करते हम आज और अभी में करते हैं, और जो इटर्नल सत्ता है वो होने वाली सत्ता है, सत्ता है. तो ये दोनों को साथ लेके हमारा जीवन हमको करना, इज इट्स लाइक अ डांस. यू हैव टू अंडरस्टैंड द होने वाली सत्या सत्ता, और आपको जीना पड़ता है करने वाली दुनिया में. इन दोनों के बीच में निगोसिएशन आपको कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा. सो इट्स लाइक अ डांस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. वी हैव टू ओनली प्रोवाइड, और बच्चों को इसके लिए हम तैयार कर दें, पहले तो खुद भी करें इस पे, क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट. हमको अपने पे भी काम करना होगा, और काम करते करते हमको बच्चों के साथ भी काम करना होगा. ये ऐसा नहीं होता कि पहले हम परफेक्ट बनेंगे फिर हम काम करेंगे, तो ऐसा होता नहीं. ये साथ साथ ही चलता है, खाली एक दो स्टेप का फर्क होगा. ये पहले बात नहीं होगा, ये साइमल्टेनियस है. और बस ये है कि ध्यान रहे हर समय, कॉन्स्टेंटली ध्यान रहे, और वो ध्यान देते देते ही रास्ता आपको दो कदम आगे का रास्ता दिखाई देगा. आपको पूरी मंजिल नहीं दिखाई देगी, आपको थोड़ा दिखाई देगा. आप उधर तक जाइए, फिर थोड़ा और दिखाई देगा, फिर थोड़ा और, ऐसा कुछ है. सो इट इज नॉट, मेरे को तो पूरे मेरे फंडामेंटल को मेरा चैलेंज हो गया है. मैं आपको बता रहा हूं एजुकेशन को लेके,
कंप्लीटली. आई हैव डोंट हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग, नो आई डोंट हैव, बट आई डू हैव कॉन्फिडेंस दैट हाउ वॉट एवर मच आई एम सीइंग, जितना भी मुझे अभी दिखाई दे रहा है वो सही है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, पूरे रास्ते भी नहीं मालूम है, लेकिन कुछ कुछ मालूम है. और वो जो कुछ कुछ मालूम है वो उसको अधूरा नहीं कह सकते, उसको उस वो अधूरा तो नहीं है, पर हाँ कुछ कमी है उसमें. पर वो कमी सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो सिर्फ मेरी कमी नहीं है, वो कमी इस वजह से भी है कि ये जो बाहर का आवरण है, ये जो मॉडर्निटी है, इसने बहुत सारी सीमाएं तय कर दी है. मैं उसके बियॉन्ड नहीं जा पाता हूं. व्हाई दैट आल्सो आई नो, बिकॉज आई हैव मटेरियल नीड्स. एज लॉन्ग एज आई हैव मटेरियल नीड्स, जब तक मुझे भौतिक आवश्यकता है, पैसे की, फोन की, कपड़े की, लत्ते की, गाड़ी की, घोड़े की, तब तक मैं ये सिस्टम से बंधा हूं. जितना जितना मैं अपनी भौतिक आवश्यकता को कम करता हूं, उतना उतना मेरा फ्रीडम, स्वतंत्रता और उपलब्ध हो जाती है. वो मेरे ऊपर है. अगर मैं पूरा एक साधु बन जाऊं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, इनसे मांग के खा लूं, उनसे मांग के पहन लूं और मैं मस्त हो जाऊं, तो मेरे को ये सिस्टम छू भी नहीं सकता है. दैट आई नो, बट अभी वो स्थिति नहीं. तो ये बाध्यता मुझे मालूम है. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परिपूर्ण प्रमति, दैट दिस थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये दीज नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू आवर चिल्ड्रेन एंड आवर टीचर्स. उसके बाद वो क्या होता है वी डोंट नो, पर ये तभी आप करिए जो भी हम बोल रहे हैं जब आपको ये बात बैठे. आपको ये बात बैठे नहीं, और क्योंकि कोई बोल रहा है इसलिए आप बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा उसमें, तो और खराब होगा, गड़बड़ हो. तो ये पहले आपके अंदर बैठनी चाहिए कुछ हद तक, उसके बाद आप प्रयोग करिए. दिस इज ऑल आई कैन से. बातें तो बहुत है, लेकिन यू नो आई थिंक आई शुड स्टॉप. Regarding modernity, right? It has been believed that getting more of the material success is your ultimate success. Right. So the premise of the basis in which why we are going this direction is, this is systematically implanted everywhere. Mm. So we are going that direction. Mm. Of material wealth and material things. But if we ourselves could become an example that, you know, hey, we don't need that much. We can be simple. We don't need like so many cars or so many this thing. If we start inviting simplistic lives ourselves, mm. And show that, you know, hey, you know, having a smaller carbon footprint is good, you know. Not consuming too much is good. Not just good, it is cool. See, why somebody imitates something? Because he just thinks that this is cool. So, no, I feel like if I've got your point. You can inspire some people like that. It is good. It's not what you are saying is fine. What I'm saying is, see, let me just use the word. I think it's a human desire. सबको success चाहिए, सफलता, सफल होना है सबको. किस चीज में सफल होना है वो अलग बात. और ये सफलता में के साथ जुड़ा हुआ है recognition. You need recognition. लोग बोले कि हाँ भाई देखो सिंपल लाइफ लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छा, खुश है ये,
ये रिकग्निशन चाहिए. आई एम सेइंग सक्सेस चाहिए, यहाँ तक ठीक है. एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल. आई विल डिसएग्री विद यू स्लाइटली दैट रिकग्निशन आई फील लाइक नॉट नेसेसरी बिकॉज नो आई एम लेट्स स्किप हियर फर्स्ट. हाँ दैट इज ओके. ओके सो हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? For some of us, it's only happiness, it's not the recognition, it's only the contentment. Well, if it is that, then I'll be very happy. Contentment kahan se? This point is, I'm not putting this as a challenge, I'm proposing something. I am saying that I have seen that most people want some certainty, however they define success. You may define it differently, you may define it differently, I may define it differently, but we all want that thing. And what is success ultimately? Ultimately, if it is contentment, then I would not use the word success. Then I would say, okay, we all want to be content. Purposefulness. I don't know. I mean, this is for us to explore. This is for us to really explore honestly. Yes, success is actually a variable thing. It is for different people, success is different. Right. So, for me, it might be success, might be the contentment what she told. But uh-huh. For others, it might be materialistic. Let's look at ourselves. And see what it is. I'm just making a proposal. I'm going ahead with that. I'm saying generally what is happening is there are two. I'm now going to make two lists. Just pay attention to those lists. On one side, I will write a few words and just think about it. One side, I will write Hindi mein likhta hoon. कहाँ रहते हैं ज्यादा
आई एम ऑल्सो टॉकिंग और इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट मेरा हैप्पीनेस सक्सेस ये मैं सब खाली छोड़ रहा हूँ। और मैं एक और बात बोलता हूँ, सक्सेस की जब बात हुई, सफलता की बात हुई, तो सफलता जो है, ये जो सफलता है इसका कोई तो आधार होगा ना। आप लोगों ने कहा सबका अलग अलग है, जैसे हम कहें कि भाई हम सबका स्वाद अलग अलग है, हमको मीठा पसंद है, आपको नमकीन पसंद है, उनको खट्टा पसंद है, पर खाते तो सब है ना कुछ ना कुछ, तो वो मीठा खट्टा और नमकीन में भी कुछ कॉमन होगा। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दी डिफरेंसेस, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉमनैलिटी। ओके, उसको ढूंढे कि कॉमनैलिटी क्या है। सक्सेस जो लोगों को चाहिए, आप दुनिया को सबको अगर सक्सेस सक्सेसफुल होने से एक संतोष मिलता है, अगर हम सक्सेस हो गए, हम मानते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, तो हमको एक संतोष मिलता है, ठीक, इट्स एन आउटकम, बट संतोष इज एन आउटकम, सक्सेस इज नॉट एन आउटकम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहना चाहता हूं, संतोष इज एन आउटकम, परिणाम है, सक्सेस परिणाम नहीं है। सक्सेस के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। संतोष आपको मिलता है, एक तरह से पुरस्कार है, इट्स अ रिवॉर्ड। सक्सेस को मैं थोड़ा प्रूव करी, क्या है सक्सेस, इज इट नथिंग टू डू विद द अदर। सेटिस्फैक्शन संतोष मे नॉट बी टू डू विथ एनीवन, आई एम सेटिस्फाइड, किसी से मतलब नहीं। क्या सक्सेस भी वैसे ही है? सक्सेस हैज टू हैव सम मटेरियल। ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हम लोग ध्यान दें। सो आवर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन सेट्स मोक्ष एज द गोल, राइट? या बट हाउ में, ठीक है ना, ट्रेडिशन को मान लिया, तो सो इफ फॉर इंडिविजुअल हु कंसिडर्स दैट एज सक्सेस, दैट्स इट, is it that reality? No, that is only few percentage. Is it a reality? Let's talk of here and now. Is it a reality? The point is, it is shabdana. Huh? Shabdana. Yeah. So, what is a shabd? This is the most important thing. Yeah, absolutely. Yeah. Like, मैं शब्द का प्रयोग करता हूँ, कुछ अर्थ, like अर्थ is what I want to communicate, but I can't. For that I need shabd. It's an indicator. Yeah. It's a symbol. You can call it a symbol, you can call it an indicator. Yeah. Through which I The reality is not of this but of this. If you want to call this also a reality, then this is a temporal reality. Yeah? Abhi hum ek bhasha use karte hain, ho sakta hai 200 saal baad koi aur bhasha use kare. ये तो वही पैसा का नजर है। तो जो परमानेंसी है, जो सनातनता है, वो यहां है, अर्थ की शब्द की सत्ता की सनातनता नहीं है, ये टेम्पोरल है, ये तो समझ में आता है। पर मेरा जो इशारा है वो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्निटी में हुआ क्या है कि फोकस यहां से यहां शिफ्ट हुआ। एक अगेन, डोंट लुक एट इट एज आइदर ऑर प्लीज, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इसका मतलब ये नहीं कि दिस इज आउट, बट प्रायोरिटी इसकी हो गई है। रियलिटी किसकी है? इसकी। आप पैसे को कुछ नहीं कर सकते जब तक आप वस्तु को खरीद के कंज्यूम ना करें। यू कांट ईट इट, यू कांट ड्रिंक इट, यू कांट वेयर इट, यू हैव टू बाय समथिंग
to be able to use it. But priority, this has become more important, not this. So somewhere, modernity has shifted our focus from this side to this side. This is what I call the gati side. And this is the sthiti side. Loosely speaking, this is the doing side, the appearing side, the seeing side, and this is the being side. Hona, ye dikhna dikhana karna. Now, ye dono, they are not like either or. They are like two sides of the same coin. But one side is permanent side, the other side keeps changing according to permanent. कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलते हैं. यहाँ पे रुपया चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे रूबल चलता है, पर पेट्रोल तो वही है. वैसे कुछ बात नहीं. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी मॉडर्निटी में हम इसको कहीं थोड़ा डाउन प्ले करने लगे और हमारा पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि वी आर, हम हर समय निर्णय लेते हैं. आप अपने को देख के बोलिए, हम हर समय निर्णय लेते हैं. यहाँ क्लास में बैठे हैं कि घर चले जाएं, भूख, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बैठे हैं. जो चले गए उन्होंने निर्णय लिया होगा, जो बैठे हैं उन्होंने कुछ निर्णय लिया होगा. हर समय हम निर्णय लेते हैं. वो निर्णय का कारण कुछ भी हो, पर निर्णय हम लेते हैं. राइट, कि भाई पवन जी को खराब लगेगा, बैठे रहते हैं, ये भी कारण हो सकता है. मन तो नहीं लग रहा है लेकिन उनको बुरा लगेगा इसलिए बैठे, ये भी हो सकता है. लेकिन निर्णय हम ले रहे हैं. वी आर टेकिंग अ डिसीजन ऑल द टाइम. द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, वो निर्णय का आधार क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात. निर्णय तो हम लेंगे. मेरा ये प्रस्ताव है आपके सामने और मैं खाली आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं कि मॉडर्निटी में हमारा निर्णय लेने की सारी क्रियाएं का आधार इस तरफ शिफ्ट हो गया. हम कैसे दिखेंगे उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे. हम कैसे हैं ये पीछे चला गया अंडर द कार्पेट. I mean, it's not there in Bombay most of the time. Or if it is there, it is to be brushed aside. And this, there is a pressure too. It's not just me. There's a whole system is exerting a pressure that to look this side. Look, pagal ho kya udhar? So this success, disease of success is also focused here. Which is connected with the whole process of decision making. Even a course that you take in higher education, should I do engineering or should I do medical, is governed not by, but by log kya bolenge. How will I be recognized? Ya paisa kitna aayega? So what I'm not saying paisa is wrong, बिल्कुल नहीं. मैं ये कह रहा हूँ priority किसकी है. हमारा priority गड़बड़ हो गई, ये मैं कह रहा हूँ. पैसा गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर वस्तु is more important than पैसा. वो तो माध्यम है. Decision making. How are your children going to make decisions? How are we going to make decision in life? Point is, if we are making decision based on gati, then we are caught in the rat race. You can make
That is for your choice. That is your choice. But in the, this table is to make you and sort of pay attention to the fact that there is this side. And whether this side is, what is the importance of this side? What is the reality ye hai ki importance mein? Even if you run after money, you can't do anything with money till you buy something. That is the reality. This is the stuff. This is ye, you can ignore it, but you can ye khatam nahi hone wala. It is here. So you can call it ek taraf eternal reality hai. और सनातन है और एक तरफ आपका ये है ट्रांजिएंट. दूसरा ये साइड जो है दिस इज करना. ये साइड नहीं सब कुछ है. करना दिखना ये लगना. All this is this side. This side is Hona. This is Sana. This can be understood. बाकी कैसे आप decision लेंगे? It is upon you. इसमें कोई doubt नहीं होना. इसको examine करके देख लीजिए. मानिए वानिए मत. In the Kana world and the Ragna world is where we are finding it very difficult to set an example for the future generation. Because okay. The generation is again asking the same question back, like, why are you becoming old pattern? Or like, you know, you're not living in this time. See, that is new fashion. This is old fashion. Matlab aapke time. Haan, the point yehi hai, ki that's why I'm saying it's not easy. It is not easy. It's walking on a razor's edge. I have said many times, it's not easy. And that's why I brought that recognition, the word recognition. Then I withdrew it. The point comes to that. What will people say? I use the word recognition. Okay, forget recognition. What will people say? If people praise us, we are happy. If they say, what are you doing, a mad or what, then we are unhappy. So we are looking for recognition. Fine. We will not quibble on words. They are not important. As long as you understand what I am saying. Now the thing is, how do you stay there in spite of the onslaught? Okay? The only way is that you can convince yourself by paying attention, dhyan dene se, you convince yourself or you get convinced ki this is so. Krishnamurti used the word this is so, just see it. Aisa hi hai. देखिए भाषा में इतने सुंदर सुंदर शब्द हैं. ये जो शब्द है ना, एक छोटा सा शब्द, ये शब्द सपने से, ये इससे बढ़िया कोई शब्द नहीं है को भी डिनाई करोगे. I just wanted to make a point to whatever you are saying.
one thing is, if somewhere when we say that, after taking a decision, when people around us say that and we feel bad, we question ourselves, I would say that somewhere that clarity has not come within us about our own decision. आई वुड जस्ट इंटरजेक्ट एंड से, अगर आपको दिखाई देने लगे कि दिस इज अ रोप, विल योर फियर डिसअपियर और नॉट? ओके, बट यू आर सीइंग द रोप एज स्नेक एंड यू आर टीचिंग योर सेल्फ आई शुड नॉट बी अफ्रेड. बिकॉज फियर नो वन लाइक्स. No one likes to be fearful. इसके लिए आपको स्कूल जाने का जरूरत नहीं है. To not like fear. You don't have to go to a school to learn not to like fear. ठीक है? No one likes fear. It is the way we are designed. This is the vyavastha. This is the tantra. Now, the whole system is telling you not to be fearful. No one is telling you there is no snake out there, it's a rope. If they tell you this through education, your fear disappears. You don't have to fight fear. We are fighting fear all the time. Nobody should cross the line. Tell this to children and what will happen. They will never do that.
the longest time. After 10 minutes, the everybody will be on the other side of the line. Yes. The moment we say we put a restriction of you don't do this, after 10 minutes, everybody will be on the other side. I don't think 10 minutes is too long for them. Therefore, you should remove the word "should" from your school vocabulary. Exactly. So, one thing I wanted to bring that out is, it is perfectly okay to follow this. If you want, if you think material thing is success, you can be in the rat race. That is completely your choice. But you can also choose to be this way. This is up to you to. With my intelligence, I choose this. It is up to you to choose whatever you want. If we give this choice and tell them that these are the two things that are there, this is my knowledge, I can be wrong. So if that attorney is on them, I think their intelligence and with their this thing, they will make the right choices if they have been in front of them. So my point was that if we put that restriction, then the tendency to go do things which is not to be done is more. See, the thing is, we need to be careful of all the words that we are using. Choice today is between Pepsi Cola and Coca-Cola. That is the choice. When you say choice hai, that is the choice. You become a doctor, you become an engineer. There is no choice ki you don't become anything and be happy. That choice is not there. The choice to have pure water in your home is not there. You have to buy Pepsi Cola, Coca Cola, Bisleri, RO, etc., etc. You don't have a well in your home anymore. Okay? So the well is not there. Why is it not there? Because the system doesn't allow anymore for you to have a well. Okay, and we are saying there is a choice. Yes, there is a choice. You can buy a RO or you can buy another filter. That is the choice. So let's not get caught in words. Let's see the reality, the way things are. So I am saying, we have to take them to the conceptual level. When we say the choice is not between the left side and the right side, today the choice is only on the left side. What do you do is the choice. Ye karoge ki wo karoge ki wo karoge. Aap 5 rupya kharch karoge ki 50 rupya kharch karoge. This is the choice. ये चॉइस नहीं है कि आपका डिसीजन मेकिंग कहां से आ रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो अलग बात है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द मास लेवल. दिस एंड वी आर व्हेन वी टॉक अबाउट एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्कूल, देन वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, राइट. एंड इवन व्हेन वी आई लुक एट माय सेल्फ, I have to see the commonality between me and the other. I am all the time, I am trained to look at the differences. Our social sciences only talk about differences. हमारा पूरा पढ़ाई लिखाई में only differences की बात होती है. आप social science की किताबों को देखिए, सिर्फ differences की बात होती है. और वो differences ही भाई आपकी मर्जी है, उसी से तो freedom आता है. ये पूरा फ्रीडम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, वो ये इनकी मर्जी कुछ है, मेरी मर्जी कुछ है, आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले. हम तो सब अलग अलग हैं, हम सब एक जैसे हैं, उसकी कौन बात करता है, हमको बताओ. इक्वालिटी की आइडिया में सबको एक एक है ये बोलते हैं, लेकिन फ्रीडम आते ही बात दूसरी हो जाती है. And it goes to the extent, please connect it. ये यहां तक जाता है कि आज की मॉडर्न दुनिया में यह कहा जाता है, there is no truth. सत्य करके कुछ नहीं है, सबका अपना अपना सत्य होता है, ये बोलते हैं वो लोग. सबका अपना अपना सत्य होता है. और हम भी मान लेते हैं, हाँ हाँ देखो ना, हमको तो रसगुल्ला पसंद है, ये मेरा सत्य है, उसको नमकीन पसंद है, वो उसका सत्य है ना. उसी से
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट? हाँ, एंड यू नो व्हाट ही डिड डे बिफोर यस्टरडे, यू नो अबाउट इट? एनीवे, दैट्स नॉट द टॉपिक फॉर दिस कांग्रेस. ही डिड समथिंग नास्टी डे बिफोर यस्टरडे. एनीवे, तो दिस इज वेर सबका अपना अपना सत्य, सबका अपना अपना सत्य नहीं होता, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, सत्य नहीं होता. सत्य तो एक है, नहीं तो आप क्यों सत्य में जयते लगा रखे, उधर उठा के फेंको उसको. मतलब वी हैव टू, अगर हम एजुकेशन में हैं, शिक्षा में हैं, तो मैं ये आपको जोर दे के कहूंगा, आप ये मत सोचिए अरे इस सब बातों से हमको क्या मतलब, हमको तो बच्चे को एबीसी पढ़ाना है, खत्म बात. नहीं जी ना, यू हैव टू. आप इग्नोर कर सकते हैं, यू कैन इग्नोर एंड यू कैन कीप ऑन मेकिंग योर डिसीजंस दैट साइड, बट द रियलिटी डजंट चेंज बिकॉज ऑफ योर परसेप्शन. यू आर कनेक्टेड विथ एवरीथिंग एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दीज थिंग्स. इट इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेशली इफ यू आर इन अ प्लेस लाइक पूर्ण प्रमति. If you are in an ordinary government school or ordinary money-making machine kind of schools, it's all right. They also don't expect anything from you. They will train you and they will say, okay, just do what we have trained you, utna karo. But this is a thinking school. This is a responsible school. This is a place which is going to probably make a difference in the future of the country and the world. Maybe in a small, insignificant way, but small and insignificant, that there's nothing is insignificant. Hota nahi insignificant. Humko apne, we have to take on the mantle, no? Apne ko chota kyon mante hain hum log itna? Hum chote bhi hain, ye bhi hai. We are nobody, but hum bade bhi hain. Ye dono saath saath hai. You know? ये इंडियन सिविलाइजेशन की खूबसूरती है कि एवरीथिंग, हम भी वाली सभ्यता, भी एक सभ्यता, ही वाली सभ्यता. ये भी दो शब्द मैं लिख देता हूं, ही और ये भी, हम भी वाले लोग. तो आई जस्ट होप कि कुछ आपको कुछ पकड़ में आया होगा, कुछ भी पकड़ में आया उसको बढ़ाई दीजिए. ये मेरा निवेदन है. थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन उतना है भी नहीं. अगर बात पकड़ में आ जाएगी और ध्यान देंगे तो शायद गाड़ी आगे चल रही होगी. हाँ, कुछ बोलो. नहीं, ठीक. सो सर्विस you don't know.